नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फाइव सीटर सोफे का कवर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, जिसमें रोजेस बने हुए हैं वाइट कलर से, और वाइट कलर का एक मैंने प्लेन फैब्रिक यहाँ पर ले लिया है। तो अब मैं करने क्या जा रही हूँ, हमें सबसे पहले अगर हम आपके पास दो कपड़े हैं तो आपको मिक्स मैच इस तरीके से करना है कि आपके दोनों कपड़ों का यूज़ भी हो जाए और जो पैटर्न है, जो लुक आए, वो सुंदर आए। तो यहाँ पर मैंने क्या डिज़ाइन किया है, मैंने सेंटर में तो ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है जिसमें प्रिंट है रोजेज़ का वाइट कलर के, वो मैंने रखा है सेंटर में। और जो वाइट कलर के फैब्रिक होंगे वो उसका मैं क्या करूँगी, दोनों के मैं साइड में वाइट कलर का फैब्रिक यहाँ पर लगा दूँगी, जैसे कि फिर ये एक पूरा लुक हो जाएगा, सेंटर में ब्लैक और साइड में वाइट कलर का। तो हमें करना क्या है, जो सबसे पहले आपको अगर मेजरमेंट लेना नहीं भी आ रहा तो आपको इजी तरीका यही है, आपको जो फैब्रिक है वो सेंटर में रखो, उसके बाद आप दोनों साइड मेजरमेंट ले लो कि कितना कितना साइज़ दोनों पोर्शन में बचा हुआ है। बस मैंने सेम किया, दोनों साइड के मेजरमेंट लेकर मैंने उतना फैब्रिक कट कर लिया। देख सकते हो कि जैसे कि एक पीस वाइट ये है और एक पीस और होगा। अब क्या करना है, बस वो पीस लेना है और हमें जितनी लेंथ आपके सोफे की है उतनी लेंथ में हमें ये कपड़ा स्टिच कर देना है, दोनों को आपस में रखना है और इसको साइड से दोनों का कॉर्नर हमें इस टाइप से पकड़ना है और बस इसको हमें लेकर पूरे को सिल देना है। एक साइड का ऐसे ही सिल लेंगे, फिर जैसे ही सीधा होगा तो ये हमारा एक साइड का हो गया सिलकर। ऐसे ही हमें दूसरी साइड फैब्रिक रखना है, सेम उसी तरीके से दूसरी साइड रखेंगे, दोनों कॉर्नर को हम अटैच करेंगे और इसके बाद इसको भी हम क्या कर देंगे, स्टिच। तो दोनों साइड से इस तरीके से स्टिच हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा एक पूरा सोफ़े का कवर है, फ्रंट वाला बड़े सोफ़े का जो थ्री सीटर पीस होता है, सेट होता है, उसका एक पूरा कवर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसके में आप चाहो तो लाइनिंग लगाकर इसको और स्ट्रोंग कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आज लाइनिंग यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। मैं बस ये फैब्रिक है इसको डायरेक्ट दोनों साइड में वाइट कलर का फैब्रिक जोड़ूंगी और जोड़ने के बाद बस इसको मैं बना लूँगी कवर के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या करूँगी, जो वन सीटर हैं, जैसे कि फाइव सीटर सोफे में थ्री सीटर होता है और वन वन सीटर दोनों साइड होते हैं, तो बस सेम वही मैंने प्रोसेस यहाँ पर रिपीट कर लिया है। सेंटर में मैंने कपड़ा रखा और साइड में मैंने देख लिया कि कितना मुझे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग साइड का जो भी फैब्रिक मुझे चाहिएगा वाइट कलर का, जैसे कि मैंने लगाया है, तो दोनों साइड से मैं वाइट कलर के फैब्रिक का मेजरमेंट ले लूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना थोड़ा एक्स्ट्रा है और नीचे थोड़ा कम है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो बस ये मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका जो हेड है, हेड का कवर, हेड रेस्ट का कवर। यहाँ पर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक फैब्रिक मैंने यहाँ पर वापस ऊपर रखा है जो छोटा एक फैब्रिक था, और फिर मैंने क्या किया है, साइड का एक कपड़ा लिया है और उसको इस तरीके से मैंने मेज़र करके देखा है कि ये पूरे कपड़े में पूरा कवर कर ले। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किस टाइप का मेज़रमेंट ये है सोफ़े का। तो ये हेड का जो था ये मेरा 11 इंच था और इसकी लंबाई आपको जो सोफ़े की हैंड की लंबाई है उतनी रखनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको कपड़ा रख लेना है, इसके ऊपर हमें आपको मैंने दिखाया था जैसे गोलाई में हमने मेज़रमेंट लिया था, सेम आपको वैसे लेना है और आपको ये पूरा सिल देना है। तीन साइड से ये हमें सिलना है और एक साइड से हमें इसको छोड़ देना है। तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे होता होता यहाँ से स्टिच होगा, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर, तीनों कॉर्नर हम स्टिच कर देंगे, बस हम फ्रंट वाला छोड़ देंगे। फ्रंट वाले को हम ऐसे स्टिच करेंगे, फ्रंट को हम स्टिच नहीं करेंगे। तो देखो ये स्टिच होकर कुछ इस टाइप से हमारा रेडी होकर आएगा कि पूरा एक ये हैंड का कवर दिखेगा, बिल्कुल क्लियरली हमें विजिबल होगा कि हाँ ये हैंड रेस्ट का कवर है। तो ये हमारा हैंड रेस्ट का कवर भी हमने बना लिया है और जो सोफ़े का कवर था वो भी मैंने दोनों, जो थ्री सीटर का मैंने आपको दिखा दिया था और टू सीटर का भी मैंने स्टिच कर लिया। चलिए बारी आती है कवर को सोफ़े पर डालकर देखने की कि वो कैसा लगेगा। फ्रेंड्स ये मैंने मेरे पास दो फैब्रिक रखे हुए थे, काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें उसका मैं यूज़ करूं, तो मैंने कुछ इस तरीके से किया था। अब आप चाहे तो इसमें लाइनिंग लगा लें और इसको काफ़ी मजबूत बना सकते हो लाइनिंग लगा के। तो लाइनिंग लग जाएगी तो ये थोड़ा स्लिप कम होगा सोफ़े के ऊपर से और इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पर मैंने लाइनिंग अटैच नहीं किया, अगर लाइनिंग कैसे अटैच करने वो वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो मेरी आईडी पर आपको कई वीडियो ऐसी मिल जाएगी जिसमें मैंने अनयूज्ड फैब्रिक में
से सोफ़ा कवर बनाया है और उसके साथ मैंने लाइनिंग भी अटैच कर कर दिखाई है कि आप कैसे सोफ़ा कवर बनाएंगे और उसमें लाइनिंग आप कैसे अटैच करेंगे। तो ऐसे ही मेरा 3 सीटर, 1 सीटर और जो 1-1 सीटर थे दोनों के कवर बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप बताना कि आपको ये कैसे लगे हैं। और जो हैंड रेस्ट थे कुछ इस टाइप से, देखो जो पोर्शन ओपन था वो कुछ इस टाइप से होगा और वो ऐसे इसमें डल जाएगा। तो ऐसे एक एक करके मैंने सबके चारों के जो भी सोफ़े के जितने भी हैंड्स थे सबके मैंने यहाँ पर कवर स्टिच कर दिए थे। तो ये हैंड्स के कवर मैंने यहाँ पर बना दिए और ये मैंने इसको सेट कर दिया। तो बस जो भी फैब्रिक हमारे पास बच जाता है तो हम चाहे तो उनको मिक्स मैच कर कर बहुत प्यारा सोफ़े के कवर, बेडशीट, पिलो कवर हम बना सकते हैं। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कवर आपको कैसे लगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आपकी कोई भी अगर क्यूरी हो तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर पूछिएगा और बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।